मुझे बच्चे बहुत
बहुत अच्छे लगते हैं। जो बच्चे मेरी बात ना माने मैं उनसे कट्टी भी हो जाता हूं। चलो आओ मैं तुमको तीन बच्चों और उनके डॉगी की कहानी सुनाऊं। ये तीनों बच्चे बिल्कुल भी शरारती नहीं थे। आई हुई माँ, आई मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े शरारती हैं। ये तीनों बच्चे एक ही घर में रहते हैं। जब मैं जागता हूं तो ये भी जागते हैं। और ब्रेक डांस कर रहा हूं, दिखाऊं?
अपनी सॉक्स पहन,
एक कंडीशन पे मानूंगा बच्चू। क्या? चॉकलेट मिलेगी? चॉकलेट तो मेरे पास है ही नहीं। फिर नहीं मानूंगा। कुट्टी ओ यार तू इससे टॉफी मांग ले। चलो फिर टॉफी दे दो। मेरे पास पहले एक टॉफी। चल 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 जल्दी से। मैं नहीं रहने। चल 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 बच्चू गई टॉफी। चल दो लूंगा। दे दो दे दो 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 जल्दी 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 ये ले। सूरज चाचू तो कितना ऊपर आ गए। मुझे लग रहा सूरज चाचू हमसे कट्टी हैं। देखो कितने गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन ये सूरज चाचू हमसे गुस्सा क्यों हैं? तुम लोग मुझे तंग करते हो ना। मुझे गंदे बच्चे अच्छे नहीं लगते। तुम लोग अपने घर में देखो कितना गन मारते हो। तुम लोग जहाँ खाते हो वहां ही जाकर फेंक देते हो। सूरज चाचू अब तुम्हें गंदी फेंक रहा और तुम्हें गंदा बच्चा नहीं हो। मुझे दोस्ती कर लो ना। इससे नहीं मुझसे भी दोस्ती करनी है। चुप करो तुम दोनों। कितना शोर मचाते हो। सूरज चाचू फिर से कट्टी हो जाएंगे। सूरज चाचू प्लीज हम सबसे दोस्ती कर लो। हाँ ठीक है अब मैं तुम लोगों से फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। मैं तो डस्टबिन में ही फेंकने लगा था। डस्टबिन ये बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा।
बेटी, अब क्या होगा? यहाँ तो बड़ी ठंड है। मुझे लगता है सूरज चाचू ना हमसे कट्टी होके चले गए। देखो कितने दिन से नहीं आए, लगता है सोए हुए हैं। लो, हमारी यहाँ ठंड से जान जा रही है और इस बादल को सूरज चाचू की पड़ी है। वैसे ना वैसे एक बात है, मैं इस ठंड से फाइट कर सकता हूँ। अगर क्या? अगर मुझे इतने ज्यादा बॉइल्ड एग्स मिल जाए तो डब्बू, तुम्हें खाने के अलावा भी कुछ आता है? जी आता है। क्या? ठंड से कांपना। पता नहीं सूरज चाचू कब जागेंगे और कब हमें गर्मी मिलेगी। हाँ स्वीटी, सूरज चाचू की गर्मी में कितना मजा आता था। मगर सूरज चाचू किधर चले गए हैं? जब तुम उनकी बात नहीं मानते थे ना, तो वो हमसे कट्टी होके चले गए। लेकिन लेकिन स्वीटी, हमें हमें सूरज चाचू को ढूंढना चाहिए और उनसे सॉरी भी करनी चाहिए। लेकिन नौमी, हम सूरज चाचू को ढूंढेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। चुप करो, तुम बताते हो। रोशनी तो सूरज चाचू लाते थे ना, और हमारे पास तो लाइट भी नहीं है। ओए पागल, रोशनी का ही हल बताने लगा हूँ। ये देखो, ये मैच बॉक्स से हम रोशनी जलाएंगे। नाउ सी, गिल्लो और सूरज चाचू को ढूंढ लेंगे। हाँ, मैंने सोच लिया, आपके पास सूरज चाचू आएंगे ना, तो मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। हाँ, कितना मजा आए अगर दिन रात सारा साल सूरज चाचू हमारे साथ ही रहे, बल्कि वो हमारे घर में भी आ जाए। हाँ। और हमें सूरज चाचू के होते हुए लाइट भी नहीं जलानी पड़ेगी। तुम्हारी छींक हम सूरज चाचू पूछ भी नहीं सकते। लेकिन लेकिन जिस तरह की छींके मारता ना, मुझे तो लगता है कहीं आगे से सूरज चाचू भी ना छींक मार दे। चलो कोई बात नहीं। ओए वेट 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 वेट, अभी डब्बू के दिमाग में एक आइडिया आया है। ओए डब्बू, ओ तेरे पास दिमाग भी है? आए जो बादल, मेरी बात सुन। अभी हम सब मिलके प्रे करते हैं कि सूरज चाचू हमें जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही हमारे सूरज चाचू आएंगे, हम उनका चूचा सा पीस काट के अपने पास रख लेंगे। कैसा? हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम स्वीटी नाइफ के साथ ना, नाइफ के साथ सूरज चाचू का छोटा सा पीस काटेंगे, वो जैसे हम एप्पल का नहीं काटते। हम सूरज चाचू को काटेंगे? ओ पागल, छोटा सा तो पीस काट रहे हैं। पर सूरज चाचू को कितनी पेन होगी ना। ओहो, देखो जब सूरज चाचू को पेन होगी, तो हम सूरज चाचू को भी टॉफी देके पेन फिनिश कर देंगे। हाँ, ये ठीक है। ओए चलो छोड़ो, अब सारे प्रे करते हैं, प्रे करते हैं, प्रे करते हैं। ठीक है ठीक है। कटी था, पर तुम लोगों ने प्रे की तो मुझे यहाँ पड़ा। ओए नुमी, ओए नुमी, क्या बात है? ओए सूरज चाचू आ गए, जल्दी कुछ कर, जल्दी चल, 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 याद आया, याद आया, चल, 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 जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं, टाइगर टाइगर हट, यार यहाँ से हट,
बेवकूफ नाइफ लाओ और छोड़ो। मुझे गिराना है तुमने। छोड़ूंगा नहीं, मुझे नीचे आने दे जरा। हम सब प्रॉमिस करते हैं कि आज के
के बाद सारा कर डस्टबिन में फेंकेंगे और अपनी जमीन को गंदा नहीं करेंगे। शाबाश। सारों के लिए तो बांटो बांटो बांटो।